जयपुर के जनाना अस्पताल में निवाला संस्थान द्वारा प्रतिदिन की गई निशुल्क भोजन वितरण। दरअसल संस्थान द्वारा भोजन वितरण का कार्यक्रम 15 अगस्त 2018 से लगातार किया जा रहा है और अब तक लगभग 3 लाख लोगों को निशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा चुका है। वहीं 3000 लोगों को कोविड-19 के दौरान निःशुल्क भोजन और अन्य सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है। वहीं 10 बालिकाओं को शिक्षा सहयोग के रूप में स्कूल फीस के लिए नगद राशि, कपड़े और किताबें भी उपलब्ध करवाई गई थी। निवाला संस्थान की योजना है कि जयपुर में जनाना अस्पताल के बाद SMS अस्पताल और राजस्थान के हर जिला मुख्यालय पर अच्छी क्वालिटी की एक भोजनशाला स्थापित की जाए। ये निवाला संस्थान, हमने बहुत गहराई से इस दर्द को महसूस किया और करीब 4 साल तक के मेरे माताजी का जो इलाज चल रहा था उस दौरान मैं हॉस्पिटल में रहा और उस दौरान मैंने लगातार ऐसे लोगों को मैं महसूस किया है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अचानक बीमार हो गए या अचानक एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में आते हैं और फिर उनके सामने बहुत प्रकार की समस्या रहती हैं, खासतौर से दवाइयों के पैसे नहीं हैं, खाने के पैसे नहीं हैं। इस दर्द को 4 साल तक महसूस किया तो मेरे मन में एक विचार आया कि इस दिशा में कुछ करना चाहिए, तो 15 अगस्त 2018 से इस कार्यक्रम को शुरू किया और अब तक लगभग 3 लाख लोगों को इस निवाला के माध्यम से हम निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में बाहर से आने वाले गांवों के मरीज जो हैं उनके परिजनों को भोजन की विशेष दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और इन्हीं दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा, क्योंकि निरंतर हम सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं तो इस दिक्कतों को हमने निकटता से देखा है और हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करें और इसी प्रयास के तहत हमने हमारी जो सोच थी हमने उसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए हमने प्रयास किया और 15 अगस्त 2018 से हमने जनाना हॉस्पिटल परिसर चांदपुल में निःशुल्क भोजन का कार्यक्रम, वितरण का कार्यक्रम चालू किया।